तो कहानी की शुरुआत में मिलेंडा गैस स्टेशन पर पहुंचती है। वो अपनी कार से उतरती है और स्मोक करके एक आदमी को देखती है जो कि अपनी कार की टंकी भर रहा था। वो आदमी भी स्मोक कर रहा था, तो मिलेंडा ने कहा कि उसे गैस स्टेशन पर खड़े होकर स्मोक नहीं करना चाहिए। उसने गैस स्टेशन पर स्मोकिंग करने के खतरे के बारे में बताया, हालांकि वो खुद अभी स्मोक ही कर रही थी। उसने पीछे बने नो स्मोकिंग के साइन की तरफ इशारा किया कि यहाँ स्मोकिंग अलाउ नहीं है, लेकिन उस आदमी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इस बंदे को गुस्सा आ गया और वो मिलेंडा से ऊंची आवाज में कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, इसलिए मैं सावधानी से पी रहा हूँ। फिर मिलेंडा उसे वहीं छोड़कर गैस स्टेशन के अंदर आ गई। शीला जो कि कैशियर है, उसने मिलेंडा से कहा कि आज उसे आइटम्स को लगाना होगा और टॉयलेट को क्लीन करना होगा क्योंकि आज डायना नहीं आई है। मेलिंडा तुरंत चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े बदलती है। सामान लगाते वक्त उसे एक कस्टमर दिखा तो वो उससे बात करने लगी। मेलिंडा ने उसे बोलो जुबा केसरी लेने के लिए कहा और ये भी कहा कि अगर उसे वो पसंद नहीं आया तो रिफंड अजय देवगन से ले लियो जाके। उसने लड़के को अपना नाम भी बताया, लेकिन लड़का उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। टॉयलेट क्लीन करते हुए मेलिंडा एक पुलिस वाले की फोटो देख रही थी जो उसने सीक्रेटली क्लिक करी थी। पुलिस वाला अक्सर यहाँ आया जाया करता था और मेलिंडा को वो पसंद था। तभी यहाँ एक बंदा टॉयलेट करने आया तो वो मेलिंडा को बॉयज वॉशरूम में देख के परेशान हो गया। उसने कहा कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इसी बीच शीला की जवानी वाला वीडियो देख रही थी। उसने मेलिंडा को भी वो डांस स्टेप करने के लिए कहा और सीक्रेटली उसकी वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट कर दी। तभी वहाँ कार में एक सस्पिशियस आदमी आता है। फिर फ्रेड नाम का बुड्ढा यहाँ आता है जो शीला को लाइक करता था। वो हर रात यहाँ आता था। पिछली रात शीला ने कहा था कि उसके पैर दुख रहे हैं, तो फ्रेड आज उसके पैरों के लिए मसाजर लाया था। वो उसे गिफ्ट देना चाहता था लेकिन शीला ने मना कर दिया और कहा कि उसे बुड्ढे में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर बेचारा लटका सा मुँह लेके यहाँ से जाने लगा। उसके पीछे पीछे मेलिंडा भी बाहर तक आ जाती है। मेलिंडा ने कहा कि उसके पैर में वो मसाजर फिटा रहा है, लेकिन बुढ़ा आदमी शीला के लिए लाया था, ना कि उसके लिए। तभी सस्पिशियस बंदा अपनी कार में से निकलता है और रिवॉल्वर पीछे छुपा लेता है, गलती से चल ना जाए रिवॉल्वर। मेलिंडा ने सस्पिशियस बंदे को अपना इंट्रोडक्शन दिया कि क्या स्टोर में और कोई भी काम करता है। उसने कहा कि उसे कुछ सिगरेट्स चाहिए। तभी वहाँ एक पुलिस कार आ जाती है। ये वही कॉप था जिसको मेलिंडा स्टॉक करती थी। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। सस्पिशियस बंदे का नाम बिली है जो स्टोर के अंदर से कॉप पर नजर रखे हुए है। शीला ने नोटिस किया और उसके पास आके पूछा कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। इस पे बिल्ली ने कहा कि उसे चॉकलेट चाहिए। शीला ने उसे चॉकलेट पसंद करने में उसकी मदद करी। मेलिंडा ने कॉप से पूछा कि क्या वो उसकी कार में राइड कर सकती है, तो कॉप ने मना कर दिया। गजब बेइज्जती है। बावजूद इसके भी मेलिंडा अंदर जाकर बैठ गई और कॉप से कहने लगी कि मुझे अरेस्ट कर लो ताकि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। कॉप ने कहा कि वो उसे राइड पर किसी और दिन ले चलेगा। ये कह के कॉप कॉफी के लिए अंदर आ गया। उसे देखते ही बिली बाथरूम में भाग गया। तभी शीला ने देखा कि मेलिंडा फिर से छुप छुप के पुलिस वाले की फोटो ले रही थी। उसने चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहा। लड़की का फोन टूट गया। तभी कॉप के पास रेडियो मैसेज आता है और उसको तुरंत यहाँ से जाना पड़ता है। फिर शीला ने मेलिंडा का मजाक उड़ाया और कहा कि वो क्रीप है। ये सुन के मेलिंडा बहुत रोती है। जैसे ही वो वापस अंदर आई तो बिली उसके सामने बंदूक ताने खड़ा था। बिली ने उसे शीला के बराबर में खड़े होने के लिए कहा। फिर उसने बताया कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। उसने कहा कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए क्योंकि कुछ लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। शीला उसकी बकवास से परेशान हो गई थी। उसने कहा कि मुझे और भी काम करना है, इसलिए जल्दी चुराओ जो भी चुराना है। बिली को काउंटर के सारे पैसे और सेफ के सारे पैसे चाहिए थे। इस पे शीला ने कहा कि उसे काउंटर के पैसे मिल सकते हैं लेकिन सेफ लॉक है और उन्हें सेफ का पासवर्ड नहीं पता। उसने बताया कि काउंटर पे $100 से भी कम है क्योंकि आजकल कोई भी कैश में पेमेंट नहीं करता। गुस्से में उसने गोली चला दी। मेलिंडा ने उससे पूछा
क्या क्या यहाँ से चुराए हुए पैसे गैंगस्टर्स का कर्ज चुकाने के लिए काफ़ी रहेंगे? वो उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने सेफ खोल दी और उसका बैग पैसों से भरने लगी। इतने वो पैसे भर रही थी तभी वहाँ दो कस्टमर आते हैं। शीला एकदम से शांत थी और वो कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर कोई सीन ना बन जाए। मेलिंडा ने खुद को शीशे में देखा और अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोल लिए बिली को खुश करने के लिए। अब टेंशन बढ़ रही थी क्योंकि शीला के पास कस्टमर्स को देने के लिए छुट्टे नहीं थे, सारा छुट्टा तो बिली भाई साहब ने ले लिया है। बिली उन्हें शेल्फ के पीछे से देख रहा था, तभी कस्टमर ने लोकेशन पूछी किसी जगह की और शीला ने एक पेपर पर लिख के उसे लोकेशन दे दी। असल में उसने लोकेशन के साथ 911 को कॉल करने के लिए भी लिखा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि कस्टमर उसे पढ़ पाता मेलिंडा ने पेपर लेके मोड़ दिया। कस्टमर्स के जाने के बाद बिली काउंटर पर आया और पैसों वाला बैग मांगने लगा। मेलिंडा ने उसे बैग देने से पहले पूछा कि वो अब कहाँ जा रहा है। वो भी बिली के साथ जाना चाहती थी, लेकिन बिली उसे कतई भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। पैसों को लेके उनके बीच बहस होने लगी और फिर बिली ने उससे वो बैग छीन लिया। फिर शीला ने उसे डरपोक कहा तो बिली बदमोश को गुस्सा आ गया और उसने शीला को काउंटर से ही खींच लिया। फिर उसने मेलिंडा को डोर लॉक करने के लिए कहा और उसका फ़ोन भी ले लिया। अब मेलिंडा उदास होकर मिरर की तरफ आई। पहले तो उसने अपने बटन लगाए, फिर कॉफ़ी बनाई। उसने कॉफ़ी अपने हाथ पे डाल के देखी कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, पर ज़्यादा नहीं थी। फिर वो कॉफ़ी लेके पिछले वाले रूम में गई और उसने सारी कॉफ़ी बिली के मुंह पर फेंक दी। फिर आग बुझाने वाले यंत्र से उसे बेहोश कर दिया। गिरते गिरते गलती से बिली ने ट्रिगर दबा दिया और शीला मारी गई। जब बिली की आँख खुली तो उसने देखा कि मेलिंडा साफ सफाई कर रही है और शीला की बॉडी को एक शीट में पैक कर रही है। उसने बताया कि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो चेयर से बंधा हुआ था। अब मेलिंडा उसके सामने बैठ गई और उससे पूछने लगी कि वो उसे अपने साथ लेके क्यों नहीं गया। तो बिली ने उसे समझाने की कोशिश करी कि सिचुएशन एकदम क्रेजी है, इस टाइम ऐसे में वो उसे अपने साथ कैसे ले जा सकता है। मेलिंडा ने अभी तक पुलिस को फ़ोन नहीं किया था क्योंकि उसे नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाली है। बिली ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे लोग उसे ढूंढने आते होंगे। इस पर मेलिंडा ने कहा कि वो शुरू से एक ही टीम में थे। बिली ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उसे नहीं पता था कि वो उस पर भरोसा कर सकता है या नहीं। उसने मेलिंडा से पूछा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है क्योंकि वो एक गैस स्टेशन में काम करती है। अब बिली कहने लगा कि उसका चेहरा सच में बहुत दर्द कर रहा है, तो मेलिंडा उसके लिए पेन किलर लेने जाती है। यहाँ हम पीछे से देख सकते हैं कि एक कस्टमर गैस स्टेशन के अंदर आना चाहता है, लेकिन मेलिंडा ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अब बिली ने कहा कि वे एक साथ यहाँ से जा सकते हैं, तो इस पे मेलिंडा ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के बिली शॉक हो गया। फिर उसने बिली को दवाई खिलाई। वैसे ये गोली पेन किलर नहीं थी, बल्कि ये तो मूड बनाने वाली गोली थी। जी हाँ, मैन कैन ऑल्सो बी मोलेस्टेड, यही बिली के साथ हो रहा था। मेलिंडा ने उसका रेप करने की कोशिश की, लेकिन बिली ने कैसे ना कैसे करके खुद को छुड़ा लिया, पर शेल्फ सर में लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। अब मेलिंडा पैसों से भरा बैग लेके यहाँ से जाने लगती है। फाइनली उसने बाहर वाले कस्टमर को अंदर आने दिया। वो कॉफ़ी ना होने की शिकायत कर रहा था और इधर मेलिंडा उसके पीछे खुद को ख़त्म करने का सोच रही थी, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाई। फिर वो फूट फूट के रोने लगती है। उसने कस्टमर को उसे अकेले छोड़ने के लिए कहा, तभी वहाँ शीला का बॉयफ्रेंड पैरी आ गया। उसने शीला के बारे में पूछा तो मेलिंडा ने कहा कि वो पहले ही जा चुकी है। पैरी ने शीला को कॉल लगाया तो उसका फ़ोन यहीं बज रहा था। अब पैरी को शक हुआ, लेकिन मेलिंडा ने झूठ बोलते हुए कहा कि शीला किसी लड़के के साथ मोटल में गई है। शीला के बॉयफ्रेंड को मेलिंडा की बात पर यकीन हो गया और अब वो मोटल चेक करने के लिए यहाँ से निकल गया। अब शीला की बॉडी को छुपाने के लिए मेलिंडा भाला उठाती है, तभी यहाँ बाइकर गैंग आ गई जो बिली को ढूंढ रहे थे। उन्होंने लड़की से पूछा कि आज रात यहाँ कुछ अजीब हुआ है क्या, और क्या उसने एक छोटी सी हाइट वाले बुरी सी थूत के लड़के को देखा है जो कि जतूरा द स्पेस एडवेंचर में भी था। इस पे मेलिंडा ने कोई जवाब नहीं दिया।
उल्टा उनसे पूछने लगी कि क्या वो डेड बॉडीज को भी ठिकाने लगाने का काम करते हैं क्या। अब उनमें से एक अंदर घुसने की कोशिश करने लगा तो मेलिंडा ने बंदूक निकाल ली। ये लो भाई साहब, इतनी सारी बंदूक देख के मेलिंडा ने कहा कि गलती से मेरी जेब ते निकल गई वो गन भैया। बाइकर्स के बॉस ने उन सबको बंदूक नीचे करने के लिए कहा क्योंकि यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए थे। उसने कहा कि हम आसपास ढूंढते हैं, अगर वो नहीं मिला तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे। उनके जाते ही मेलिंडा ने कैमरा फुटेज डिलीट करने के लिए लॉक को तोड़ने की कोशिश की मगर तोड़ नहीं पाई। फिर वो बाहर सिगरेट पीने जाती है तो उसे आइडिया आया कि वो इस जगह को जला भी तो सकती है। फिर उसने गैसोलीन के दो कैन लिए यहाँ छिड़कने के लिए। तभी वहाँ पुलिस वाला आ गया और पूछने लगा कि क्या उसने किसी सस्पिशियस आदमी को यहाँ देखा है, तो लड़की ने मना कर दिया। हालांकि चोरी वाली कार भारी खड़ी हुई थी और कॉप के हिसाब से उस कार का ड्राइवर भी आसपास ही होना चाहिए क्योंकि कार का इंजन अभी भी गर्म था। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा, लेकिन मेलिंडा ने कहा कि सीसीटीवी की चाबियां डायना के पास है। पुलिस वाला फिर डायना से बात करता है। इसी बीच मेलिंडा ने रिवॉल्वर अपनी जेब में रख ली। फिर मेलिंडा ने बताया कि उसने एक सस्पिशियस आदमी को देखा था जो ग्रीन जीप में मोटल की तरफ निकल गया। हालांकि कॉप जाने से पहले एक नज़र कमरों में मारना चाहता था। फिर उसने सारे रूम चेक किए लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मेलिंडा ने तुरंत बंदूक नीचे कर ली। वो मेलिंडा को अपना फ़ोन नंबर देके मोटल चेक करने चला गया। मेलिंडा ने फिर बैक रूम चेक किया लेकिन वो खाली था और वे रस्सी भी वहाँ पर पड़ी हुई थी जिससे उसने बिली को बांधा था। फिर वो प्लान के हिसाब से चली। उसने पूरे गैस स्टेशन में गैसोलीन छिड़क दिया। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी और तुरंत लाइट्स भी चली गई। मेलिंडा सामने वाले गेट से नहीं निकल सकती थी क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से ही खुलता था। तभी वहाँ बिली आ जाता है। वो मेलिंडा पर चिल्ला रहा था। मेलिंडा ने उसे वार्न करते हुए कहा कि ज़मीन पर गैसोलीन पड़ा है, अभी ओम भट्ट सुहा हो जाएगा। तभी वहाँ शीला का बंदा पैरी भी आ गया और गेट को पीटने लगा। मेलिंडा ने पीछे वाले गेट से निकलने की कोशिश की तो बिली ने वो गेट पहले से ही ब्लॉक कर रखा था। फिर बिली सामने वाले दरवाजे पर जाता है और पैरी को बताता है कि मेलिंडा पागल हो चुकी है और उसने शीला को जान से मार दिया है। पैरी उससे बात करने को हुआ तो बिली ने पीछे से उसका गला दबा दिया। शुक्र है गला ही दबाया है। उसे मार के बिली ने उसकी कार ले ली। मेलिंडा ये देख के शौक में थी। उसने पुलिस वाले को फ़ोन लगाया इससे पहले कि वो कुछ कह पाती। बिली ने गाड़ी फ्रंट डोर से अंदर घुसा दी। मेलिंडा ने उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की लेकिन बिली बहुत गुस्से में था और वो उससे बदला लेना चाहता था। बिली ने उसे शूट करने की कोशिश करी लेकिन बंदूक ने आग पकड़ ली और बंदूक के गिरते ही चारों तरफ आग फैल गई। बिली तो भुना हुआ भुट्टा बन गया लेकिन मेलिंडा का सिर्फ पैर जला और वो सही वक्त पर बाहर आ गई। अब पुलिस वाला भी वहाँ पर आ गया और वो मेलिंडा को गैस स्टेशन से थोड़े दूरी पर ले आया। अब मेलिंडा यही सोच रही थी कि आज की रात उसके साथ क्या हुआ है। ऑफिसर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो यहीं उसके साथ है लेकिन मेलिंडा को लग रहा था कि वो यहाँ पे नहीं है बल्कि कहीं और ही है। शायद इस घटना के बाद मेलिंडा की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब ये उसके लिए अच्छी बात है या बुरी बात, ये आप कमेंट करके बताओ। दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।